स्वागत है। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने दावा किया है कि व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा ने 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे से विवाद के कारण उनका नंबर लीक कर दिया था। अश्लील कंटेंट शूट करने और प्रकाशित करने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पूनम के पास आए गलत कॉल्स। पूनम ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि उनकी असहमति के बाद भी राज ने उनका नंबर कुछ तस्वीरों के साथ लीक किया था, जिसके बाद उनके पास ऐसे कॉल्स आ रहे थे जो कि काफी अपमानजनक थे। एक वीडियो मैसेज में पूनम पांडे ने कहा कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना कर दिया था तो उसने मेरा फोन नंबर एक कैप्शन के साथ लीक कर दिया था, जिसमें लिखा था कि कॉल मी नाउ, आई विल स्ट्रीप फॉर यू, मुझे अभी कॉल करें, मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूंगी। उन्होंने मेरे पर्सनल नंबर के साथ यह मैसेज जारी किया था और फैला दिया था। मुझे आज भी याद है कि उसके बाद मेरे फोन की घंटी लगातार बजती रही। मुझे पूरी दुनिया से फोन आए जिसमें धमकी भरे मैसेज शामिल थे। पूनम ने आगे कहा कि मैं अपने घर पर नहीं थी, मैं घर से निकल गई थी, छुप कर रह रही थी। मुझे याद है मैंने कुछ महीने उस वक्त एक ऑरेंज नाम की जगह है वहां पर बिताई थी, कुछ वक्त कहीं और बिताए थे। मैं बस इस डर में थी कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मुझे जिस तरह के मैसेज आते थे, मैं जानती हूँ कि आप कहाँ हैं, मैं उस वक्त थोड़ी डरी हुई थी। पूनम ने कहा, मेरे वकीलों के मना करने के बावजूद भी मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अगर राज कुंद्रा मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो मैं फिर भी एक जानी पहचानी हस्ती हूँ, तो औरों के साथ क्या कर रहा होगा, इसका फुल स्टॉप कहाँ पर है, ये जज करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सारी लड़कियों से कि आप प्लीज बाहर आएं और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपनी आवाज उठाएं। तो गाइस, क्या कहना है आपको पूनम पांडे के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।